पाठ 7 बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, पर उसके फल बहुत छोटे होते हैं। जब एक लड़के ने बरगद का तिरस्कार किया तो उसने अपने बारे में बहुत कुछ बता डाला। आप पढ़कर देखें पेड़ की कहानी उसी की जबानी। पाठ 7 बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, पर उसके फल बहुत छोटे होते हैं। जब एक लड़के ने बरगद का तिरस्कार किया तो उसने अपने बारे में बहुत कुछ बता डाला। आप पढ़कर देखें पेड़ की कहानी उसी की जबानी। पाठ 7 बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, पर उसके फल बहुत छोटे होते हैं। जब एक लड़के ने बरगद का तिरस्कार किया तो उसने अपने बारे में बहुत कुछ बता डाला। आप पढ़कर देखें पेड़ की कहानी उसी की जबानी। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर चारों ओर पेड़ पौधों के झुरमुट, वन पशु पक्षी थे, मानव नाम का प्राणी भी था। हाँ, एक विचित्र बात थी, उस समय सभी प्राणी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे पशु पक्षी, सब एक दूसरे की भाषा समझते थे, परस्पर बातचीत भी करते थे। एक छोटे से गांव के बाहर हरे भरे मैदान थे। बरगद का एक वृक्ष था, बहुत विशाल। उसका लंबा मोटा तना था, उसके पत्ते घने थे, शाखाएं चारों ओर फैली थीं। उसकी शाखाओं से डाढ़ी निकलकर धरती तक आ रही थी। लगता था कि वह वृक्ष वहां बहुत वर्षों से खड़ा था। मैदान में कुछ गड़रिये अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे। उनमें से एक लड़का अपनी बकरियों के साथ आया करता था। गर्मी के दिन थे, बकरियों के साथ इधर उधर घूमते वह गड़रिया लड़का थककर पस्त हो गया था। कुछ देर आराम करने के लिए वह बरगद के उसी वृक्ष के नीचे आ बैठा। बरगद के नीचे छाया थी, हवा भी शीतल थी। हवा के हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने लगे। पेड़ के तने से लगा लड़का वहीं लेट गया। तभी उसकी दृष्टि पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों पर गई। लड़के के पास पहले एक ही बकरी थी, पर धीरे धीरे उसने अपनी होशियारी से अपने झुंड को काफी बड़ा कर लिया था। वह अपने आप को कुछ समझने लगा था। बरगद के फूल और फलों को देख वह तिरस्कार की हंसी हंसा। वह रे विशाल पेड़, बस खुद ही बड़े हुए। अपने फूलों और फलों को तो देखो, अपनी लटकती दाढ़ी को तो देखो। बरगद ने सब सुना, परंतु बोला कुछ नहीं। तभी हवा चलने लगी, पत्तों से सर्र सर्र की हल्की ध्वनि निकली, जैसे वे कोई लोरी गा रहे हों। लड़के की शीघ्र ही आंख लग गई। तभी एक दो फल उसके मुंह पर आ गिरे। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने ऊपर देखा, उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से हंस रहा है। क्यों, चोट लगी क्या? छोटा सा तो फल था, इतने में ही घबरा गए। अब सोचो, यदि मेरे पेड़ पर तरबूज जितना फल होता तो। मित्र,
किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं है, यह तो घमंडी होना है, और घमंड करना तो किसी के लिए भी उचित नहीं। अब देखो, मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें धूप ताप से बचाया, मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया, मेरी पत्तियों से छनकर हवा शीतल हुई, तुम्हें सुख मिला और तुम सो गए। चिड़िया मुझ पर बसेरा करती हैं और मेरे छोटे छोटे मीठे फल खाती हैं। मुझसे गलती हो गई बरगद दादा, मैंने इस तरह तो सोचा ही ना था। मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। पहली बात तो यह कि प्रकृति से दोस्ती करो। हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ लेते हैं। मेरे फल चिड़ियों का भोजन है, मेरी शाखाओं पर उनके घोंसले हैं। चिड़ियां सारा दिन घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीड़े और इल्लियां ढूंढती हैं। इल्लियां मेरे पत्ते खाती हैं, चिड़ियां उन्हें खाकर मेरी मदद करती हैं। वे घास पत्ते खाने वाले कीड़ों से घास पत्तों की रक्षा करती हैं। तुम्हारी भेड़ें वह घास खाती हैं। बरगद दादा, चुप क्यों हो गए? कुछ और भी कहो। ठीक है, मेरे आसपास कई पत्तियां सड़ रही हैं। केंचुए इन सड़ी पत्तियों को खाने जमीन के नीचे से निकलते हैं। इससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ों की जड़ों को शक्ति मिलती है। तुम मेरी बात समझ गए होगे। इस तरह हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। मुझे क्षमा कीजिए बरगद दादा, मुझे इन सब का ज्ञान न था। मैं आपसे कुछ और अरे अभी तो अपनी भेड़ बकरियों को देखो, भागी जा रही हैं उधर। लड़का भाग रहा था अपनी बकरियों को पकड़ने। वह सोच रहा था, आज मैंने कितना कुछ सीखा। हाँ, प्रकृति में सब कुछ उपयोगी है। जब हम सब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो बड़े होने का घमंड क्यों? अरे वाह, बरगद दादा ने तो प्रकृति के प्रति हमें जागरूक कर दिया। कितनी अच्छी बात बताई कि जीवन में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, हमारे मित्र हैं। किसी को अपने बड़े होने का अभिमान नहीं करना चाहिए। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। अब पाठ में आए कुछ